नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। आईपीएल 2021 को लेकर सभी फ्रेंचाइजी और बीसीसीआई पूरी तरह से जोरों शोरों से तैयारियों में लगी हुई और आईपीएल 2021 के ऑक्शंस की शुरुआत में अब कुछ ही टाइम बचे हैं। ऐसे में यहां पर आईपीएल 2021 के ऑक्शंस के रिगार्डिंग लगातार काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आती है, जिनको हम रेगुलरली अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट इंडिया पर कवर कर रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2021 के लिए सभी टीमों के पर्स बैलेंस के बारे में कि किस टीम के पर्स में कितने करोड़ रुपए हैं और उन पैसों की मदद से आईपीएल 2021 के ऑक्शंस के दौरान कौन सी टीम कितने खिलाड़ियों को खरीद सकती है, कितने भारतीय खिलाड़ी हो सकते हैं, कितने ओवरसीज खिलाड़ी हो सकते हैं, यानी भाई पर्स वैलेट से जुड़ी सभी इंफॉर्मेशन के बारे में पूरी तरह से विस्तार से खुलकर इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और यदि आप भी आईपीएल 2021 के ऑक्शंस को लेकर एक्साइटेड हैं तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आईपीएल 2021 के ऑक्शन से पहले सबसे ज्यादा पैसा यहां पर किंग्स इलेवन पंजाब के पर्स में है, वही दूसरी तरफ सबसे कम बैलेंस यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद के पर्स में है। तो चलिए वन बाय वन हम यहां पर सभी टीमों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केएल राहुल की कप्तानी वाली किंग्स इलेवन पंजाब के बारे में, जिनके पर्स में आईपीएल 2021 के ऑक्शंस के लिए 53 करोड़ 20 लाख रुपए है, जिनकी मदद से आईपीएल 2021 के ऑक्शंस में पंजाब की टीम कुल 9 नए खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल कर सकती है, 9 खिलाड़ियों को खरीद सकती है जिनमें 5 यहां पर फॉरेन खिलाड़ी हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बारे में। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आईपीएल 2021 के ऑक्शंस के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पर्स में 35 करोड़ 70 लाख रुपए है, जिनकी मदद से यहां पर यह टीम आईपीएल 2021 के ऑक्शंस में कुल 11 खिलाड़ियों को खरीद सकती है, जिनमें 3 फॉरेन खिलाड़ी भी मौजूद हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। तो भाई आप सभी को पता है कि आईपीएल 2021 के लिए राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन को अपना नया कप्तान बनाया और भाई आईपीएल 2021 के ऑक्शंस के लिए राजस्थान रॉयल्स के पर्स में कुल 34 करोड़ 85 लाख रुपए है, जिनकी मदद से आईपीएल 2021 के ऑक्शन में यह टीम कुल 8 नए खिलाड़ियों को खरीद सकती है, जिनमें 3 फॉरेन खिलाड़ी भी शामिल हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आईपीएल 2021 के ऑक्शन से पहले सीएसके के पर्स में कुल 22 करोड़ 90 लाख रुपए मौजूद है, जिनकी मदद से आईपीएल 2021 के मिनी ऑक्शन में यह टीम कुल यहां पर 7 खिलाड़ी खरीद सकती है, जिनमें 1 फॉरेन खिलाड़ी भी शामिल हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। तो भाई आईपीएल 2021 के ऑक्शन से पहले रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस के पर्स वैलेट में कुल 15 करोड़ 35 लाख रुपए है, जिनकी मदद से आईपीएल 2021 के ऑक्शंस में मुंबई इंडियंस की टीम अपनी टीम में कुल 7 नए खिलाड़ियों को शामिल कर सकती है, जिनमें 4 यहां पर फॉरेन खिलाड़ी हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं श्रेयस अय्यर की दिल्ली कैपिटल्स की। तो आईपीएल 2021 के ऑक्शंस से पहले दिल्ली कैपिटल्स के पर्स में कुल यहां पर 12 करोड़ 80 लाख रुपए है, जिनकी मदद से यह टीम ऑक्शन में कुल 8 नए खिलाड़ियों को अपनी टीम के साथ जोड़ सकती है, 8 खिलाड़ियों को खरीद सकती है, जिनमें 3 यहां पर फॉरेन खिलाड़ी हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि केकेआर की टीम आईपीएल 2021 के ऑक्शंस के दौरान अपनी टीम में यहां पर कुल 7 खिलाड़ियों को खरीद सकती है, जिनमें 1 फॉरेन खिलाड़ी हो सकता है और उनके पर्स वैलेट में कुल 10 करोड़ 85 लाख रुपए मौजूद है। उसके बाद अंत में हम यहां पर बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। तो भाई हैदराबाद के पर्स में यहां पर 10 करोड़ 75 लाख रुपए मौजूद है, जिनकी मदद से आईपीएल 2021 के ऑक्शंस के दौरान हैदराबाद की टीम यहां पर कुल 3 नए खिलाड़ियों को शामिल कर सकती है, जिनमें 1 फॉरेन खिलाड़ी भी हो सकता है। तो भाई कुछ ऐसा है यहां पर आईपीएल 2021 के ऑक्शन से पहले सभी टीमों का पर्स, सबसे ज्यादा पैसे यहां पर किंग्स इलेवन पंजाब के पर्स में, वही दूसरी तरफ सबसे कम पैसे यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद के पर्स में है और भाई यहां पर आईपीएल 2021 के ऑक्शन के दौरान सबसे ज्यादा खिलाड़ी यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम खरीद सकती है, जो कुल 11 खिलाड़ी खरीद सकती है। वही दूसरी तरफ सबसे कम खिलाड़ी यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम खरीद सकती है, केवल 3 खिलाड़ियों को यह टीम खरीद सकती है। तो भी कुछ ऐसा है यहां पर पूरा का पूरा सिनेरियो, सभी टीमों का पर्स बैलेंस और भाई साथ ही साथ स्लॉट्स की बात कर लिए। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। We'll be right back.